तो हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉलेज बॉन्ड साइंस। तो हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10। तो हमने पार्ट टू में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कर लिया था हमने। और इस वीडियो में हम लेंस करेंगे, लेंस को पढ़ेंगे अच्छे से। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जो ये है ये कॉनकेव है एंड ये है जो ये कॉन्वेक्स है जो बना रखे हैं इधर। और इसमें क्या है, तो जो बीच में एक पॉइंट होता है ओ पॉइंट, इधर भी ये होता है उधर भी होता है दोनों को, तो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दोनों तरफ आप देख लो, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके, अब इस पे आके इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंस, मतलब इस लेंस को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म। तो जैसे उसमें हमने पढ़ी थी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर्स एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सो इसमें भी ऐसी हैं, इसके पार्ट्स के बारे में है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द लेंस हुज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस देन इट विल रिट्रेस अ पाथ। ये कुछ नहीं कह रहा है कि मतलब जो भी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इंसिडेंट होगी, गिरेगी ऐसे इस पे ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी। जैसे उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर करता था अपने पाथ को रिट्रेस, ऐसी ऑप्टिकल सेंटर भी करता है अपने पाथ को रिट्रेस। ओके, एंड सेकंड है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ। ये बता रहा है कि जो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, वही बता रहा है इसमें। देखो ये देखिए, इसमें दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर ना कोई शेडेड पोर्शन होता है, पॉली सरफेस नहीं होता इधर, तो लाइट आराम से ट्रेवल कर सकती है। तो फिर जब इधर से पैरेलल रे आती है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो ये कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो जाती है पॉइंट फोकस पे ये कन्वर्ट हुई, फोकस पे ये आ गई, पॉइंट साइज की इमेज बन जाती है। एंड देन जो इस ये इसे क्या कहते हैं, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और कहते हैं इसी फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो कह रहा है कि जो इसका जो फोकस है वो बताना है, और कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस आपको बताना है, तो वो मैंने बता दिया है एंड लिखा भी है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एट विच रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखा, इधर आई रिफ्लेक्शन में कन्वर्ज कर लिया इस पॉइंट में, कुछ भी नहीं है। अब इसमें वो पढ़ लेते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। सो पहले हम इधर से पढ़ेंगे, फिर इसके दो पार्ट रह गए हैं, ए बी इसमें नहीं है, आप देखिए ए बी नहीं है, तो उसको मैं इसी वीडियो में जैसे ये ख़त्म होगा इसी के बीच में बताऊंगा। तो फिर कहते हैं ये है, तो पहला है ऑब्जेक्ट है 2F1। अगर 2F1 पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी और एक पैरेलल आके फोकस से कन्वर्ज होके निकल जाएगी। तो मीट करते हैं यहाँ पे, मीट है अगर 2F1 पे बन रही है इमेज, तो 2F2 पे ही उस साइड ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा है तो उस साइड इमेज 2F2 पे ही बनेगी। ओके, इस पे लिखा भी है इमेज डिस्टेंस एट 2F2 पे बनी है, नेचर डिस्टेंस रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि ये देखिए आप कह रहे हो, मैंने पहले कहा था इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो वो सिर्फ था कॉन्वेक्स, तो वो सिर्फ था मिरर के लिए, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए ये है, मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल,
एंड इरेक्ट, ठीक है। तो समझ गए हो कि नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ वर्चुअल, ट्रिक टाइप की है एक। तो यही था, रियल इन्वर्टर बन रही है और सेम साइज, बिल्कुल बिल्कुल जितना ये है उतना ही है, सेम साइज। एंड अब डी है, तो डी क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन दोनों के बीच में रखा है इधर। तो सबसे पहले क्या होगा, एक तो ऑप्टिकल सेंटर चली जाएगी और एक फोकस पैरेलल जाएगी, तो फोकस से निकल जाएगी इमेज का मानी बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F2। अब इसी पे आपको मैं समझाता हूँ, इसमें कहाँ पे बनी, इसमें बिटवीन 2F1 और इन इसके बीच में रखा, तो इमेज बन गई, इमेज इधर बन गई, इमेज इधर बन गई इस वाले में। और जो इसमें एक मिस है, दो मिस हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं, उसमें क्या है। एक ये मिस है कि ये मिस है, उसमें ये था कि अगर इसको मिटा देता हूँ सर, कि अगर इसमें रखा है 2F1 और F1 के बीच में, तो बियॉन्ड 2F2 बना है। उसमें ये था, अगर बियॉन्ड 2F1 पे रखते तो इमेज कहाँ बनती, तो इमेज सबसे पहले सीधे पास हो जाती एंड फोकस से कन्वर्ट हो जाती, ठीक है, देन ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती। कहाँ पे बनी इमेज, यहाँ पे बनी इमेज, कहाँ पे बनी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज बनी, ये कहाँ पे बन रही है, F2 पे, और कहते हैं F2 पे और 2F2 पे बन रही है इमेज, ओके। तो यानी अगर आप 2F1 और F1 के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड 2F1 बन रखेगी, अगर आप बियॉन्ड 2F1 रखोगे, अगर आप बियॉन्ड 2F1 रखोगे तो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2, ओके। तो इसमें इस वाले केस के लिए इमेज हो जाएगी, जो मैं अभी बता रहा था, इमेज हो जाएगी रियल इमेज हो जाएगी इसी वाले के लिए। एंड देन कैट रियल एंड इन्वर्टेड साइज होगा लार्ज, जस्ट वन सेकेंड, साइज होगा स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड साइज स्मॉल यानी डिमिनिस्ड, एंड और क्या बच गया, और कुछ नहीं बचा। पोजीशन तो वही है ही, कहते हैं बिटवीन इसके बीच में आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी की, F2 एंड 2F1 वाले पे। तो इस पे इधर रखा है एंड गया, ठीक है, बन गया इमेज। कैसे इमेज कैसी बन रही, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कहाँ पे रखी है इमेज, बियॉन्ड 2F2 पे, और उसमें कहाँ पे, उसमें बनी थी इस पे बनी थी, और रखी कहाँ थी, इस पे, समझे। और रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड 2F2 इमेज कैसी है, एनलार्ज, कितनी लंबी इमेज, समझे। तो समझ गए होगे। एंड अब ई, ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट F1 पे होता है तो क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। अगर F1 पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो सीधे रे जाएगी एंड फोकस से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल से पास हो जाएगी एंड जहाँ पे भी ये कभी भी, एक सेकंड के लिए इधर ले लो, एंड जहाँ पर भी ये कभी, जस्ट टेक वन मिनट, यस, तो ये इमेज ऐसी चली गई, इसकी इमेज ऐसी चली गई। अब ये जहाँ पे भी मिलेगी तो उसे हम कह देते हैं इन्फिनिटी। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में बस ये बता पाएंगे इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, इन्फिनिटी, एंड ये हम नहीं बता सकते। सो एंड अब ये आ गया, बिटवीन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1,
ये होता है, ये F1 होता है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी है ऐसे, उसमें भी याद करो एक होता था जब पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता था, तो क्या कहते हैं वो वर्चुअल बनाता था उस साइड जाके, तो इसमें भी यही होता है, इसमें इस तरफ वर्चुअल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, समझे? उसमें क्या होता था पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है मिरर के लिए, ये होता है लेंस के लिए, याद रखना। तो अब इस पे रखी है, तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, एक इधर जाके पहले लो के फोकस से निकल गई, अब पीछे ये कन्वर्ज, पीछे इनको सस्टेंड किया गया, मिलाया गया, तो ये यहाँ पे बनी, 2F1 पे नहीं, यहाँ पे बनी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इमेज सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बनी है। एंड नेचर कैसा है, हाईली एनलार्ज, देखो कितनी लंबी है, कितनी लंबी हो रही है खा खा के। तो और नेचर कैसा, वर्चुअल रेक्ट, साइज क्या, हाईली एनलार्ज। एंड अब पढ़ेंगे कॉनकेव के लिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ सॉरिंग, अरे छोटा छोटा सॉरिंग। अब पढ़ेंगे कॉनकेव का, ठीक है, अभी तक कॉन्वेक्स के ही पढ़ रहे थे, आपको पता तो हो गए। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इसमें पहला केस है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से घूमता हुआ आ रहा है तो क्या करेंगे, निकल जाएगा इधर, अगर जब वो निकला ऐसे, किसी ने पकड़ा ही नहीं, निकल गया वो, तो पीछे से एक देख रहा था आदमी, एक आदमी देख रहा था, भाग कहाँ रहा है ये, तो देखा ये तो इधर भाग रहा है, तो इसने देख लिया था इधर से, तो जिस पॉइंट पे उसने देखा, जिस पॉइंट पे इसकी इमेज बनी, वही पॉइंट हो जाता है हमारा जहाँ पे इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या था, ये F1, तो F1 पे बनी है, और साइज क्या था, पॉइंट साइज, देखो इधर पॉइंट साइज बना है, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमनिस्ट, ओके। एंड इसमें बी केस होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर, बियॉन्ड, ओके। तो इसमें जब बियॉन्ड होता है, ओके, तो जब बियॉन्ड में होता है तब क्या होता है, तब कुछ भी होता है, इस पे रखा है बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर, वन ऑब्जेक्ट इज ऑप्टिकल सेंटर की मतलब इधर रखा होता है F1 एंड उस पे, F1 एंड उस पे इधर की तरफ रख दिया आपने, तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, एक ऐसे जाके ऐसे निकल गई, सब ऐसे जाके ऐसे निकल गई, एंड कहते हैं ये ऐसे निकल गई, अब ये कहाँ पे मिली, ऐसे सब्टेंड कर दिया, तो ये बन गई 2F1 पे, तो इमेज हो जाएगी बिटवीन 2F1 पे, ओके। देखो आपको क्लियरली समझाता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक, बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ पे रखा, इधर से गई, निकल गई, सब्टेंड किया, इसे भी, ये अभी ऐसे निकल गई थी, इसे भी पीछे की तरह सब्टेंड किया, मिली इस पे, इतने पे मिल गई, ठीक है, इतने पे मिली, तो पॉइंट्स क्या है, स्मॉल साइज है, यानी डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, क्योंकि इस तरफ बनी है, इस पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव बनी है, एंड ये नेगेटिव, वर्चुअल है, इनडायरेक्ट है, एंड बस डिमिनिश्ड है। ओ एंड ओ एफ वन पर मैंने देखा कितनी छोटी बनी है, दिखा, अच्छे से देखा, इतने पे बनी है, इतने पे, समझ रहे हो, इतने पे बनी है, जूम कर दिया मैंने पूरा, अब इसे मैं स्मॉल भी करूँगा तो ये हट जाएगा, मज़ा नहीं आया।
चलो कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन का कॉन्क्लूजन, अब कॉन्क्लूजन क्या निकला है, कॉन्क्लूजन निकला है इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, जो कॉन्केव लेंस होता है वो ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन हाइट कोई भी हाइट हो, एक सेकेंड कोई भी हाइट हो पॉजिटिव में ली जाएगी अगर इधर की तरफ है ऊपर की तरफ, एंड अगर कोई भी डिस्टेंस हो नीचे की तरफ नेगेटिव, और इधर की तरफ कोई भी डिस्टेंस हो पॉजिटिव नीचे की तरफ कोई भी हाइट हो नेगेटिव, देन और कुछ तो है नहीं ज़्यादा, मतलब इधर से जा रही है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, इधर इधर ही चली जाएगी, एंड बस ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ तो बस इसमें मेन मेन चीज़ ये याद कर लेना, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव, और फोकस फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की होती है नेगेटिव पॉजिटिव। अब आता है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, मिरर फार्मूला हमारा ये होता है, क्या होता है मिरर फार्मूला हमारा ये होता है, लेंस फार्मूला बस एक चेंज आता है, सिर्फ एक चेंज कि इधर माइनस होता है, इधर बस माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, रे बाबा माइनस अंडे में डाल दिए उन्हें, तो इधर माइनस होता है और कुछ नहीं होता है। तो वी को हम शो करते हैं इमेज डिस्टेंस है, यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यू ऑलवेज नेगेटिव, सोचना भी मत कि पॉजिटिव हो सकता है कभी भी किसी भी केस में। फोकल लेंथ एफ से फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन तो कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसमें हाइट ऑफ इमेज है नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हमारा दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, पहला ये होता है एंड ये होता है दूसरा, और क्या कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें दिखा रहा है फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, वही वाला है कि अगर मैं लिखूंगा एम इक्वल्स टू प्लस थ्री, लिखा है ना एम से बड़ा एम से छोटा और इक्वल्स टू वन, एंड क्या कहते हैं इधर एक और केस आ जाएगा एम से छोटा, ये एम से बड़ा और एम इक्वल्स टू थ्री, तो एम से बड़ा हमने बनाया थ्री, कैसा दिखा रहा है इस पर एन लार्ज, क्या है ये एन लार्ज है, और क्या कहते हैं पॉजिटिव साइन है, तो देखो वर्चुअल वर्चुअल इमेज है एन लार्ज इमेज, समझे, तो यही साइन बहुत कर देते हैं। आपको होमवर्क दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे जरूर करना, इधर ही तीन चार छोटे छोटे होमवर्क देता हूँ, माइनस वन स्क्रीनशॉट ले लेना, प्लस जीरो पॉइंट फाइव कलर चेंज कर लेता हूँ, सबको बॉक्स में डाल दो, एंड एक और दूंगा मैं आपको होमवर्क, सॉरी होमवर्क इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो,
ये आपका होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ओके, आपका होमवर्क है, इसको करके टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डालना, एंड कोई दिक्कत आ रही तो बताना। चलो अब आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस छुप गया ये तो। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू द लेंस टू कन्वर्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब जो भी उस पर पड़ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर लेता है, वही होता है पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस का शानदार फॉर्मूला आप याद करेंगे। टन टन आपके लिए लिया है फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना। पावर इक्वल्स टू 1/2 फोकल लेंथ। कहीं कहीं पावर देते हैं, फोकल लेंथ निकालने के लिए कह देते हैं, तो निकल जाएगी आराम से। तो 1/2 फोकल लेंथ, ठीक है। और अगर मीट और मीटर, उसमें ध्यान बहुत रखना, अगर मीटर में है तो पी इक्वल्स टू 1/f मीटर। मीटर इफ इज इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, सो उसे 100 सेंटीमीटर से लिखेंगे। इधर मीटर में लिखेंगे 1/f, उधर 100/f, समझे? कंक्लूजन क्या निकला? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव। बस इतना याद कर लो, पावर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, ये कॉन्वेक्स है इसकी पॉजिटिव है, और कॉन्केव की नेगेटिव होती है। तो ये दोनों तो अगर अटैच में आ रहे हैं ये दोनों। अब ये देखो, ये मान लो लेंस है, ये दोनों कितना अटैच आ रहे हैं, इतने मिल रहे हैं, इतने घुल मिल रहे हैं, पूछो मत। इधर अटैच में आ गए, तो ये अटैच में आ गए P1 P2 पावर, तो पावर ऐड होगी क्योंकि कॉन्वेक्स थे ये। एंड वही अभी कोई अभी वही एक सेकंड मैं इस पर एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, बस एक वही रह गया था। एंड अगर वही कोई एक कॉनकेव लेंस और एक बना लिए मैंने, अब इनकी पावर क्या होगी आप बताओ। यहीं से ले लेता हूँ मैं P1 P2, ठीक है। ये वाला P1, ये वाला P2, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल सेंटर। एंड देन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी पावर क्या होगी। आपने आपको मैंने अभी पढ़ाया, इसकी पावर क्या होगी? देखो, पी टोटल इक्वल्स टू क्या होगी? P1 - P2 होगी ना। P2 - P1 करो, P2 - P1, क्योंकि P1 तो हमारा ये है एंड देन ये है, तो ये तो नेगेटिव में ही होगा, ये पॉजिटिव में होगा, समझे? जब साथ में आ जाते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। एंड हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है शानदार तरीके से, और आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में एकदम शॉर्ट वीडियो में ये पूरी PDF प्रोवाइड करूँगा। तो साथ में होमवर्क भी देखूँगा, आपको होमवर्क भी दूँगा। एंड हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है, फुल्ली लाइट कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एंड बाय बाय।